हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं DRCC जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र। कुछ बच्चों का एडमिशन कराना है, तो अभी हम आए हुए हैं पटना DRCC में। चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है ये। आज हम आपको बिहार के ऐसे योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लें ताकि मेरे नए वीडियो अपडेट होते रहे। बिहार सरकार द्वारा चलाया गया एक योजना है, ये 7 निश्चय के अंतर्गत आता है और इसमें अलग अलग सुविधाएं दी गई है। पहला है कुशल युवा प्रोग्राम। जिन बच्चों का एज 15 साल से ऊपर है और मैट्रिक पास हैं, तो उनके लिए पढ़ने की सुविधा दी गई है। जैसे बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता है, इसमें बेसिक नॉलेज प्राप्त होती है। दूसरा है जो बच्चा इंटर करके छोड़ रखे हैं, इंटर करने के बाद कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक और योजना है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। और तीसरा योजना जो है, इसमें तीसरा जो बेनिफिट मिलती है हमें, वो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके तहत स्टूडेंट को, बिहार स्टूडेंट को जो प्रॉपर बिहार के हैं, उनको 4 लाख की सुविधा मिलती है पढ़ाई के लिए। जिन बच्चों को, जिन पेरेंट्स को, जिनके माता पिता को आगे पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनको सरकार 4 लाख की लोन देता है और आप 4 लाख का लोन लीजिए। इसमें अलग अलग कोर्स के लिए पैसे दिए जाता है, जैसे GNM हो गया, और ऐसे एक लिस्ट है, तो उस लिस्ट के हिसाब से बच्चों को पेमेंट दिया जाता है, जो कि डायरेक्ट उनके कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फीस स्ट्रक्चर है बनवाना पड़ता है कॉलेज से, और उसी कॉलेज के अकाउंट में यहां से डायरेक्ट सरकार पैसा भेजती है। और ये पैसा तब देना होता है, वापस करना होता है सरकार को, जब आपकी जॉब लग जाए। जब आपकी जॉब लग जाए उसके बाद आपके पेमेंट से कुछ परसेंट कट के गवर्नमेंट के अकाउंट में जाती है। तो एक बहुत अच्छा योजना है, इसमें कई प्रकार की सुविधा दिया गया है। जैसे कि हम पहले ही बता दिए हैं कि जो बच्चा मैट्रिक पास कर रखा है, कंप्यूटर नॉलेज जिनके पास बिल्कुल नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सुविधा है कि आप फ्री में आइए, प्रशिक्षण लीजिए और कंप्यूटर सीखिए। और जो बच्चा इंटर करके छोड़ रखा है और आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा योजना है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। जैसे कि हम पहले ही बोल दिए हैं, ये उन युवाओं और लड़कियों को मिलता है, छात्र एवं छात्राओं को मिलता है, जिनका एज 20 हो गया हो, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25, तो 20 से 25 के बीच वालों को मिलता है। हर मंथ, हर महीना 1,000 रुपये मिलता है उनको 2 साल तक, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। और तीसरा जो हमने आपको बताया है, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये बिहार हर डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक में है, ये तो आप जाइए वहाँ पे अपने नज़दीकी कुशल युवा प्रोग्राम सेंटर पे और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और इन सारे सुविधाओं का लाभ लीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा सुविधा हमारे बिहार सरकार द्वारा दिया गया है, तो इसे आप लीजिए, इससे आपको बहुत सारे हेल्प मिलेगा। आपके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, आप लोन लीजिए, आप इंटर करने के बाद पढ़ाई छोड़ रखे हैं, तो 1,000 रुपये का बेनिफिट हर मंथ 2 साल तक सरकार देती है। और आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप फ्री में कंप्यूटर भी सीख सकते हैं। एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको बेनिफिट देगा। धन्यवाद।